ये सीरीज जो भी देखेगा पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर की, वो लॉस करने वाले ट्रेडर में से डायरेक्ट प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस। ये सीरीज जो कोई भी देखने वाला है, पूरी की पूरी सीरीज है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। लेकिन ये सीरीज जो भी देखेगा पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर की, वो लॉस करने वाले ट्रेडर में से डायरेक्ट प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सो बने रहिए, ये सीरीज में सबसे पहली वीडियो आज की है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, बिल्कुल बेसिक समझाने वाला हूँ। तो जिन लोगों को ऑलरेडी पता है स्टॉक मार्केट क्या है, वो अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि उनको इस वीडियो में भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर जो नहीं देखना चाहते वो वेट कीजिए, मैं सेकेंड वीडियो बनाने वाला हूँ स्टॉक ब्रोकर के ऊपर कि अगर आप फुल सर्विस चुनना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, और अगर आप डिस्काउंट ब्रोकिंग चुनना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर उसके बाद हम सीरीज में कंटिन्यू करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या एनालाइज करेंगे। तो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बनेगी एक वीडियो, फिर एक वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, फिर आगे कंटिन्यू होता रहेगा हमारा सीरीज। तो पहली वीडियो है आज की, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी अभी स्टॉक मार्केट में कदम लिया है या लेना चाहते हैं या लेने का सोच रहे हैं, बट उनको पता नहीं कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट है क्या और कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, हिंदी में बोले तो शेयर मार्केट, एक ऐसी जगह है जहां पे कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी पब्लिक होती है और पब्लिक उनके शेयर्स खरीदती है और उनको पैसे देती है। तो वो पैसे वो लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उनका बिजनेस प्रॉफिट में जाता है। तो वो खबरें सुन के, वो खबरें यानी कि वो फंडामेंटल्स सुन के दूसरे लोग भी, इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज या इंस्टीट्यूट जो भी है, वो कंपनी में री इन्वेस्ट करते हैं या न्यू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उससे प्राइस और बढ़ता है। तो जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है उनका वैल्यू प्राइस का ऊपर चला जाता है। यानी आपने समझो टाटा मोटर्स कुछ साल पहले लिया होता तो समझो आपको 150, 160, 180 के रेट में मिल रहा था, दो तीन साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होते जा रहे थे। तो जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, समझो आपने उस टाइम पे लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो उसकी वैल्यू आज 2.5 लाख के ऊपर होती, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि अभी वो शेयर 450 के आसपास जा चुका है। तो समझ सकते हैं ना, 180 का शेयर 450 जा चुका है तो वैल्यू डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। तो इसी तरह से होता है, बट आपको कैसे सिलेक्ट करना है वो हम आगे वाले वीडियोस में बताएंगे कि फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स देख के हमको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये वीडियो में तो खाली मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं कि शेयर मार्केट होता क्या है। मूवमेंट्स कैसे आती है प्राइस में, कोई स्टॉक ज्यादा ऊपर जाता है, कोई स्टॉक कम ऊपर जाता है, कोई स्टॉक ज्यादा नीचे आता है, कोई स्टॉक कम नीचे आता है, और कोई स्टॉक ऐसा होता है या जो रेंज में घूमता रहता है। तो इस सब रीजंस क्या है उसके कि क्यों ऐसा होता है। तो जो शेयर ज्यादा फास्ट ऊपर जाता है, यानी डेली ज्यादा ज्यादा ऊपर ऊपर जाता है और क्लोज होता है, फिर अगले दिन भी ऊपर चला जाता है, फिर जाता रहता है कैसे भी कुछ भी, तो उसका रीजन क्या है। तो देखो, कोई शेयर में ज्यादा अच्छी बाइंग हो रही होती है, यानी ज्यादा लोग बाय कर रहे होते हैं, और उस बाइंग के रीजंस काफी हो सकते हैं, टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं, और मेन रीजन होती है न्यूज। अगर स्टॉक की अच्छी आ जाती है तो अच्छी न्यूज देख के लोग ये सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए कि कंपनी स्ट्रांग है तो चलिए इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं तो भाव ऊपर बढ़ जाता है, कि बायर्स अगर ज्यादा होते हैं और सेलर्स अगर कम होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और सेलर्स ज्यादा होते हैं बायर्स कम होते हैं तो प्राइस नीचे आता है, और डिपेंड करता है वॉल्यूम्स के ऊपर कि वो कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगा। एंड जो स्टॉक कंसोलिडेटेड रहता है, इसका मतलब ये है कि उसमें ना ही कोई अच्छी न्यूज है ना ही कोई खराब न्यूज है, ना ही उसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं ना ही उसके फंडामेंटल्स काफी खराब है, और जब तक उसमें कोई न्यूज या कोई टेक्निकल रीजन नहीं बनता तब तक वो कंसोलिडेटेड रहेगा। यानी कि 400 से 450 वापिस 400 वापिस 450 वापिस 400, इसमें भी आप फायदा उठा सकते हैं, 400 पे लेके 450 पे बेच सकते हैं, फिर 450 पे शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, उसको भी मैं आगे बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। 400 पे लीजिए, 450 में बेचिए, फिर 400 में लीजिए, 450 में बेचिए, ये आप कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, वो हम आगे वाली सीरीज में वीडियोस में सीखेंगे टेक्निकल्स की। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि डिस्काउंट ब्रोकर में कौन सा बेस्ट है और फुल सर्विस ब्रोकर में कौन सा बेस्ट है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
काफी बड़ी सीरीज चलने वाली है ये। एक बार टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट क्रॉस हो जाएगा उसके बाद मैं लगातार टेक्निकल्स की लाइव चार्ट्स वीडियोस बनाता रहूंगा कि ये देखिए टेक्निकल रीजन की वजह से आपको ये बाय करने जैसा है, ये सेल करने जैसा है, ये हमने बाय किया है और हम इतने पे सेल करने का टारगेट लगा रहे हैं, वो सब भी मैं आपको बताता रहूंगा। और इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको टेक्निकल वाली वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली डीमैट अकाउंट ओपनिंग पे कि डीमैट अकाउंट कौन सा आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको आएगा फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, फिर टेक्निकल एनालिसिस एंड उसके बाद तो काफी खतरनाक कलेक्शन है मेरे पास कि मैं इतना है मेरे पास नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन का कि आप थक जाओगे। वीडियोस आती रहेंगी आप देखते रह जाओगे। चार्ट्स पे मैं आपको लाइव एग्जांपल्स देता रहूंगा जिससे आपकी भी प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रॉम BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस। Close doors, I'm a fool for your love.